2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में, तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था, मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग जल्दी भाग। सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है, तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वॉज स्क्रीमिंग, अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वॉज स्क्रीमिंग। तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा, तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। नहीं मैं भाग कर, वो जो मेरी खाला की बेटी थी वो, उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है, तो शी वॉज वेरी शॉक, शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया। उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया जाता, कुछ चीजें होती है, तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए। ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था, 2 बजे तक, जुम्मा का दिन था, आई रिमेम्बर आई एम होल्डिंग अवर हैंड, सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर। बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, आई वॉज वेरी ओके के अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो। तो एक मोमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी, मैं देख रहा था उनको और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे, तो मैं हाथ छोड़, मैं बोला हाथ क्यों छोड़ू, तो बोले हाथ छोड़ दे, मेरे को जबरदस्ती हाथ छुड़वाया। तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मैं, मुझे वहां से लेकर निकाला, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मोहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था, तो अगर मैं वहां होता और जल्दी पहुंचता तो वो चीज बच सकती थी। द सेम टाइम मैंने रियलाइज किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है। तब जाके सब चीजें रियलाइज हो रही थी कि 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था, पूरी लाइफ, बचपन, पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके, डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था, पापड़ बनाते थे वो हम बेचने जाते थे, तो ये मॉम करती थी। और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था, डैड दादी सबका अलग था, उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में मॉम को, ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के, तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था, मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उनपे 3,500 रुपए का कर्जा था, वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपए वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो सब, 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहां सोया क्यों नहीं, मैं वहां पहले हॉस्पिटल पहुंचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपए क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूं या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा कि वो जब इस्तेमाल ही मेरे को नहीं आ रहा, मेरे दिल से दिमाग से ये चीज नहीं जा रही कि कोई एक रीजन नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी, वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी था तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। शी वॉज वेरी गुड लेडी, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर वाज़न्ट वन रीजन, बहुत सारे रीजन थे।
जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। एंड आई फील के मैंने पूछा क्यों नहीं उनको, जब मुझे याद आता कि दो तीन दिन से वो चुप चुप बैठे रहते थे, तो मैंने एक भी बार उनसे पूछा क्यों। तो आई थिंक मुझे किसी की माँ की आवाज सुनता हूँ या किसी को मैं रोता हुआ देखता हूँ, किसी औरत को, मेरे को मेरी माँ की याद आती है। द रीजन आई डोंट लाइक फाइटिंग, द रीजन आई डोंट टू फाइट विद एनीवन, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना।